सती के श्राप के भय से सुहागिन नहीं रखती करवा चौथ का व्रत। आज करवा चौथ का चांद पूरे जोश के साथ आसमान पर चमकेगा, मगर सामाजिक रूढ़िवादिता के बंधन से बंधी चांदनी पर मायूसी छाई रहेगी। जनपद मथुरा के कस्बा सूरीर में सुहाग सलामती के त्यौहार को औरतें नहीं मनाती। कस्बा सूरीर के मोहल्ला बघा में ठाकुर समाज के सैकड़ों परिवारों को करवा चौथ एवं अहोई अष्टमी का त्यौहार मनाने पर बंदिश लगी हुई है। करवा चौथ का त्यौहार न मना पाने की कसक इस समाज की नवविवाहितों को कचोटती है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन विवाहिताएं कर रही हैं, मगर इस बंदिश को तोड़ने की हिम्मत किसी को नहीं है। बंदिश तोड़कर वह अनिष्ट का शिकार नहीं होना चाहती। बताते हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले गांव रामंगला का ब्राह्मण युवक अपनी पत्नी को विदा करके घर लौट रहा था। इस दौरान इस मोहल्ले के ठाकुर समाज से बुग्गी और जूते भैंसा को लेकर विवाद हो गया, जिसमें इन लोगों के हाथ ब्राह्मण युवक की मौत हो गई। कुपित पत्नी मोहल्ले के इस समाज के लोगों को श्राप देते हुए सती हो गई। इसे सती श्राप कहे या विरक्ति पता नहीं, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं सती ही आने यहाँ पे। इस घटना के बाद कई जवान लोगों की मौत हो गई, महिलाएं विधवाएं होने लगी, जिससे इन लोगों के बीच कोहराम नहीं उठाया, जिसे देख बुजुर्गों ने सती का श्राप मानते हुए पता नहीं क्या है सती क्या लगी है, सती का मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। हमारी टीम ने जब रामन गला और शरीर की महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि भगवती यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, यहीं के हैं। जी बताइए, करवा चौथ मनती है आपके यहाँ? ना मने। क्यों नहीं मनती है? क्या श्राप देगा? ये मैया बहुत दना है गई, बहुत पीढ़ी बदल गई। बेटों की शादी की है, जो बेटों की बहू आई हैं? हाँ, कोई नहीं, कुछ नहीं मनाती। हाँ, हमने मने कह दई। माता रानी जो कह गई कि मैं ना कहूँ जो अगाज नहीं दूँ, जो कोई ना त्यार मनांगी, जा नहीं मनांगी करवा चौथ। हाँ, श्रृंगार वगैरह भी कुछ ना कहता, कुछ ना। क्या कहानी क्या है इसके पीछे? इनके नीचे हमें तो पता ना आज कितनी पीढ़ी बदल गई। हमने तो यूँ सुनी है कि मैया को कोई श्रृंगार ना करे, करवा चौथ ना मनावे, और नहीं मनांगी जैसो मेरो सुहाग लुटो जैसो बिनको लुटेगो। यहाँ कुछ लोगों ने मनाने का प्रयास किया था क्या पहले? हाँ, करियो का यो दो चार ने तो हैं। हाँ, दो चार ने करियो तब इनको दो मर गए और पागल है गो वो। मतलब इसी डर से आप लोग जो है करवा चौथ नहीं मनाते? हाँ, माँ ने आशीर्वाद नहीं दियो जाको मनाने को। तो ये अभी तक चली आ रही है? हाँ, बहुत पीढ़ी बदल गई, कई पीढ़ी बदल गई मैया की। इसी में भी आप इस बात को। बाबा क्या नाम है आपका? अमर चंद। बाबा ये बताएं, ये सुरीर में करवा चौथ नहीं मनाई जाती है और आपका ये गाँव है रामनगला, यहाँ के लोग सुरीर में पानी नहीं पीते हैं, आखिर क्या कारण है इसका? हमारा कोई पुरखा विदा करवा के ला रही जी जुनानी नहीं हो सरी बोले में कहा भैंसा के ऊपर हमारे धन और सूर्य को धन एक जगह है जाए खादर में जी। हमारे पुरखा ने पकड़ लियो सूर्य ने कह कही कि तो हमारा हो, उन्हें झगड़ होएगो जी, झगड़ कोई लौटी ऐसी लग गई कार बोले कि मौत है गई माँ हमारे पुरखा की जी। जुनानी बोली कि मैं तो नहीं तकी रही ना तकी रही मैं नहीं सती है गई वही शरीर में ही बाकी देहरी बजाई भाई है। तो क्या उन्होंने श्राप दिया था? क्या कहा था उन्होंने? कहा श्राप दिया था किसी बात को लेकर? श्राप काय का वो तो रामनगर आके ना ही करी गई पानी के। क्या कह रही थी? रामनगर आके जाए ना अंदर पानी मत करियो। अगर कोई जैसे बाई चांस पानी पी लेता है तो क्या उनके साथ कोई घटना? भैंस न में शरीर वाली ले गए भैंसा है, बाबा पलंगते गौनों कर खिला रहे डोली में बैठा रहे दादी है, उनने भैंसा पहचान लो बोल मारो बावन ने बोल मारो, फिर वो बावन ने झौरे आए वो बाजते गौनों में मोहब्बत दो है सूरी रखे रहे और बावन में बाबा कोई डंडी लग के वो ख़त्म है गए। वो सती मई हमारी दादी ने मई सत वो कान फाने बीने के सती का इंतज़ाम कर लो, वो
सती है वे को तैयार सती है गई वहाँ बाजे है। अच्छा, तो उन्होंने आप लोगों को क्या कहा था? वो आन लगाई गई कि वहाँ शरीर को खान पीन मत करिए, धोखेबाज आदमी ये लड़ाई दंग कर दें। इसलिए आप लोग कब से ड्यूटी कर रहे हैं शरीर में? 3 साल है गई मुझे। 3 साल की